हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू लिटरेचर वर्ल्ड टुडे वी विल रीड चैप्टर फोर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल पार्ट फर्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो न्यूटन के बाद सबसे महान भौतिकविद माना जाता था फिजिक्स का इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब्स द सर्कम स्टांसिज विच लेड टू एल्बर्ट आइंसटाइंस एक्सपल्जन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल यहाँ जो हमारा ये चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ये कहाँ से लिया गया है दंग आइंस्टाइन इसमें काफ़ी बड़ी थ्योरी है उसका एक पार्ट हमारे सिलेबस में है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल और इसमें जो प्रसिद्ध जीवनी लेखक है पैट्रिक प्रिंगल इसके अंदर ये उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिनके कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन का एक स्कूल छोड़ना पड़ा था इन वट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटर लू अब देखिए आइंस्टाइन से उसके हिस्ट्री टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है इन वट ईयर आइंस्टाइन आस्क द हिस्ट्री टीचर हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि आइंस्टाइन किस साल में डिड द पर पर्शियंस डिफ़ीट द फ्रेंच एट वाटर लू कि परसिया के लोगों ने फ्रांस के लोगों को वाटर लू में कौन से ईयर में हराया आई डोंट नो सर एल्बर्ट ने जवाब दिया सर मुझे नहीं पता मैं नहीं जानता वाई डोंट यू नो यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ टीचर कहता है तुम क्यों नहीं जानते तुम्हें कितनी बार समझाया गया है कितनी बार क्लास में बताया गया है आई मस्ट हैव फोर गोटन तो एल्बर्ट जवाब देता है तो शायद मैं भूल गया हूँगा डिड यू है ट्राई टू लर्न आस्ट मिस्टर ब्राउन ये मिस्टर ब्राउन जो है ये हिस्ट्री टीचर हैं तो मिस्टर ब्राउन ने पूछा क्या तुमने कभी उनको याद करने की कोशिश नहीं की जो हमने क्लास में तुम्हें समझाया नो सर एल्बर्ट रिप्लाइड विद इज यूज़ल अन थिंकिंग ऑनेस्टी आप देखिए उसने ईमानदारी से जवाब दे दिया एल्बर्ट ने कि नहीं सर मैंने याद करने की कोशिश नहीं की वाई नॉट क्यों नहीं की आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स अब एल्बर्ट ने जवाब दे दिया क्योंकि सर मुझे लगता है कि डेट्स को याद करना कोई ज़रूरी नहीं होता मतलब मुझे कोई तथ्य नज़र नहीं आता कोई पॉइंट नज़र नहीं आता कि डेट्स को रट्टे मारते रहो रटाफिकेशन करते रहो याद करते रहो तो मुझे कोई इसमें पॉइंट नज़र नहीं आता इसलिए मैंने नहीं किया वन कैन ऑलवेज़ लुक दैम अप इन ए बुक कि कोई भी ने तो किताब में भी ढूंढ सकता है कि भाई कौन सी डेट को कौन सी कौन सी सेना हारी कौन सी ने किस को रहा है कौन जीता तो इनको हम कोई भी बुक में पढ़ भी सकते हैं जब हमें कुछ देखना तो बुक को उठा लो और अपने चेक कर लो मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फ़ॉर ए फ्यू मोमेंट्स अब मिस्टर ब्राउन जो थे वो कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्पीचलेस बिल्कुल बिना बोले मतलब उनके एकदम से ऐसा लगा कि इस बच्चे ने मुझे क्या जवाब दिया चुप हो गए यू अमेज मी आइंस्टाइन ही सेट एट लास्ट तो टीचर ने कहा भाई तुमने मुझे आश्चर्चकित कर दिया डोंट यू रियलाइज़ देट वन कैन ऑलवेज़ लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स क्या तुम्हें इन बातों का एहसास नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बुक्स में देख सकते हैं देट अप्लाइज़ टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल और ये बात उन्ही तथ्यों पर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो तो वो भी तो तुम बुक अपने घर बैठ के पढ़ लो बुक में तो यहाँ जो चीज़ तुम सीखने आते हो वो भी तो तुम बुक में देख के सीख सकते हो यस yes, सर बच्चे ने जवाब दिया अल्बर्ट ने हाँ सर देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स तो मतलब मैं समझ लूँ अब कि अब तुम्हें तथ्य को कोई भी चीज़ों को याद करने में कोई पॉइंट uh, नज़र नहीं आता फ्रेंकली सर आई डोंट सर एल्बर्ट एल्बर्ट ने कहा अगर मैं वास्तव में फ्रेंकली आपको बताऊं तो वास्तव में मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल तो तुम शिक्षा में भी कोई विश्वास नहीं करते ओ यस सर आई डू कहता है सर मैं करता हूँ शिक्षा में विश्वास आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन लेकिन मैं ये नहीं समझता कि तथ्यों को याद करना ही शिक्षा होती है इन दैट केस सेट द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़म सरकाज़म होता व्यंग तो उस केस में तो हिस्ट्री टीचर ने व्यंग के साथ बताया कहा उस बच्चे को परेप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन तो शायद आप इतने तो काइंड हो गए होंगे दयालु तो होंगे कि आप अपनी जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन की आपकी पढ़ने की क्या नीति है प्रणाली क्या है आइंस्टाइन की वो आप अपनी क्लास को ज़रूर बता दो मतलब तुम्हारे हिसाब से याद करने में कोई तथ्य नज़र नहीं आता तो तुम और शिक्षा को तुम समझते हो कि हाँ भाई इसमें तो मेरा विश्वास है तो फिर आप अपनी क्लास के बच्चों को अपनी थ्योरी बताइए कि आपकी पढ़ने की क्या थ्योरी आइंस्टाइन थ्योरी क्या है वो आप बच्चों को बता दो एल्बर्ट फ्लस्ट अब देखिए एल्बर्ट बेचारा शर्मा आ गया ये बात सुन के जब टीचर कह देते हैं बच्चों से कि भाई ये बताएगा तुम्हें ये कैसे किया जाता है तो उसमें बड़ा अजीब सा लगता है तो वो जो है एल्बर्ट शर्मा आ गया आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़ ही सैड एल्बर्ट ने क्या कहा कि मैं समझता हूँ कि तथ्य नहीं बल्कि विचार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स कि लड़ाई किस डेट को हुई लड़ाई की तारीखें याद रखना मैं नहीं समझता इस बात को महत्वपूर्ण तो क्या समझता है और इवन विच ऑफ द आर्मी इज्ल्ड मोर मैन और ना ही मैं इस बात में मुझे कोई तथ्य नजर आता कि कौन सी सेना के ज़्यादा सैनिक मारे गए मतलब किसकी हार हुई कौन सी सेना के ज़्यादा सैनिक मारे गए कौन जीता या किस डेट को लड़ाई हुई मुझे इनमें कोई तथ्य नज़र नहीं आता आई हैड बी मोर आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर तो किस चीज़ में उसको तथ्य नज़र आता है कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस बात में लूँगा इस बात को जानने में लूँगा कि ये जो सैनिक मर रहे हैं ये एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं ये उसने अपना एग्जाम्पल दे दिया कि मुझे इस मुझे इस चीज़ में कोई तथ्य नज़र नहीं आता कि कौन सी सेना हारी कौन सी जीती ये सैनिक किसके कितने सैनिक मारे गए और ये लड़ाई किस डेट को हुई थी तो तथ्य उसे कहाँ पॉइंट नज़र आता है उसे पॉइंट नज़र आता है कि हमें पता ये लगाना चाहिए कि अगर ये सैनिक एक दूसरे को मार रहे हैं तो इनके लड़ने झगड़ने का कारण क्या है क्यों मारना चाहते हैं एक दूसरे को दैट इज़ इनफ मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूअल मिस्टर ब्राउन की आँखें बहुत ही बड़ी क्रूअल सी लग रही थी उस समय और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया वी डोंट वॉन्ट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन कि हम तुमसे यहाँ कोई भाषा नहीं सुनना चाहते यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे ऑल दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड अब क्या कहता है टीचर कि तुम जो है आज एक एक्स्ट्रा पीरियड तक रुकोगे और मैं नहीं समझ समस्त, मैं समझता तो नहीं कि तुम इससे तुम्हारा कुछ ना कुछ भला होगा ना ही इसमें कुछ स्कूल का भला होगा अगर तुम्हें मैं एक्स्ट्रा टाइम के लिए यहाँ रोकता हूँ तो ना तो तुम्हारा भला होगा ना स्कूल का भला होगा ठीक है लेकिन अब तुम्हें रुकना पड़ेगा एक्स्ट्रा पीरियड के लिए आज इट वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड आइदर ना तुम्हारे लिए ना स्कूल के लिए ये हो गया यू आर ए डिसग्रेस आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम क्या कहता है तुम एक बहुत ही घटिया बच्चे हो मतलब और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल क्यों आ रहे हो तुम तो अपमान कर देते हो जब जहाँ जिसका मन में आए और मुझे समझ नहीं आ रहा पता नहीं तुम आ क्यों रहे हो कंटिन्यू स्कूल में इट इज़ नॉट माई विश सर एल्बर्ट पॉइंटेड आउट एल्बर्ट क्या कहता है कि इच्छा तो मेरी भी नहीं है स्कूल आने की लेकिन मैं भी नहीं जानता क्यों आ रहा हूँ देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ यूर सेल्फ अगर तुम्हें तुम्हें भी नहीं पता तेरी भी इच्छा नहीं है तो कहता है तुम एक ऐसे बच्चे हो कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए और आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे और मैं तो तुम्हें ये सुझाव दूंगा कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से आके ले जाए एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल वेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून अब देखिए एल्बर्ट उस समय बहुत दुखी हुआ जब वो उस दोपहर अपना स्कूल छोड़ रहा था मतलब जा रहा था नोट दैट इट हैड बीन ए बैड डे मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनी वे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग आज वो स्कूल से गया तो देखो बेचारे को बड़ा बड़ा मिजरेबल फील हो रहा था दुखी हो रहा था वो इसलिए नहीं कि उसका आज का दिन बहुत बुरा रहा क्योंकि उसके तो वैसे अधिकतर दिन ही बुरे होते थे पर इसलिए उसे परेशानी हो रही है कि कल सुबह उसे इसी घटिया स्थान पर दोबारा आना पड़ेगा उसके हिसाब से हेटफुल प्लेस माने जिससे वो घृणा नफरत करता है इस नफ़रत भरे हुए स्थान पर उसे कल फिर आना पड़ेगा ही ओनली विस्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे बट देर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग वह भी चाहता है कि उसके फादर यहाँ आए और उसे ले जाए ही न्यू बट देर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग लेकिन उन्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी ही न्यू वट द आंसर वुड बी ही वुड हैव टू स्टे एंटिल येयर टेकन इज डिप्लोमा अब देखिए उसे वह जानता था कि अगर फादर से कहेगा कि के ले जाए तो उसका जवाब क्या मिलेगा ये चीज़ उसे पता था इसलिए वो नहीं कह पाएगा अपने फादर से क्योंकि जब तक उसका डिप्लोमा मतलब पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और डिप्लोमा नहीं मिल जाता उसे तो उसे वहीं रुकना होगा फादर का जवाब उसे पता था ये होने वाला है ओके थैंक यू